टाइम सेट करना है, ठीक है। सैमसंग सोलो मॉडल है ये, क्या मतलब सोलो मॉडल है, इसमें कन्वेक्शन और ग्रिल नहीं है। हाँ बराबर सही है, कन्वेक्शन और ग्रिल नहीं है, सही है। ये प्लेट परमानेंट रहेगी, ये पॉइंट्स देख लो आप, ये क्या है, ये पॉइंट्स वहाँ पे फिट होना चाहिए। अच्छा वो खाचे में भाई। हाँ ये परमानेंट चीजें हैं, लेकिन ये क्लीन करने के लिए निकालेंगे तभी अच्छे से उसको बैठाने का। अच्छा खाचे में बैठाने का। हाँ ये बस बैठ गया, ये ऐसा रखना है उसको परफेक्टली। तो थोड़ा वाटर पी लिया, ठीक है। अपने कोई भी चीज गर्म करने है आपको, कोई भी चीज, तो स्टील एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना, इसमें इसमें स्टील एल्युमिनियम यूज ही नहीं होगा। इसको सिर्फ आपको फाइबर ग्लास प्लास्टिक टफन जो भी रहते हैं माइक्रोप्रूफ प्लास्टिक वो यूज करना है। तो एक ही बटन दबाना है आपको, स्टार्ट, ठीक है, ओनली स्टार्ट बटन दबाना है आपको एक ही। 30 सेकंड का टाइम आ जाएगा, 30 सेकंड में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जीरो पे आकर। मिनिमम टाइम और 30 सेकंड आपको प्लस करना है तो दो बार कर सकते हैं इसको। हाँ। 30 प्लस 1 मिनट, 10 सेकंड रनिंग में बढ़ाना है तो 10 सेकंड यहाँ से बढ़ेगा, माइनस करना है तो यहाँ से होगा रनिंग कंडीशन में। 30 से माइनस भी हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। 30 से माइनस भी होता है, ये देखिए, मतलब 15 सेकंड हो सकते हैं। हाँ रनिंग में करना पड़ेगा आपको, चालू करने के बाद में आपको यहाँ पे ये स्टॉप का बटन है, स्टॉप एंड इको, स्टॉप एंड इको, इको मतलब ऑफ। ये व्हाइट वाला ना, रेड एंड व्हाइट, स्टॉप ऑफ होना, रेड एंड व्हाइट का मतलब क्या है, ऑफ होना, इको मतलब ऑफ, ये ठीक, ऑफ हो गया, ठीक है, वो स्टार्ट है। हाँ अप एंड डाउन, ये कहाँ पे यूज होगा वो भी बताता हूँ मैं। ये स्टार्ट का बटन 30 सेकंड का गर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप ये देख लीजिए, सेलेक्ट एंड क्लॉक एक ही में है, दो ऑप्शन, सेलेक्ट एंड क्लॉक, यहाँ पे चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, जैसे बच्चे हैं बटन दबा रहे आके आपको लॉक करके रखना नहीं होगा। हाँ कुछ ऑपरेट नहीं होगा, ये 3 सेकंड होल्ड करके रखना है, लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, लॉक हो गया। अच्छा उसको ओपन करने के लिए सेम 3 सेकंड। अच्छा ओपन तो फिलहाल काम, मगर अगर एल डिस्प्ले आता है तो चाइल्ड लॉक एक्टिव, चाइल्ड लॉक आई एल पहले पे अनलॉक करे, समझ लो, ठीक है। यहाँ पे चुकून कभी झालस है, होता ना चुकून होना नहीं पड़े जरा। यहाँ पे आपको माइक्रो दिया हुआ है, डीओ ड्राइजेशन मतलब स्मेल निकालने के लिए, अगर कोई चीज गर्म की आपने उसके अंदर स्मेल रहेगा, डीओ ड्राइजेशन मतलब स्मेल निकालना है, समझिए, तो उसके लिए एक बटन है, क्या नाम है उसका, ये एक सिर्फ दबाना है आपको, 5 मिनट का टाइमर है, पूरा स्मेल निकालेगा, चाहिए तो आप इतने पानी में आधा नींबू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका माइक्रो है, सेम आपको कोई चीज पकानी है, राइस बनाना है या फिर पोवा इडली बनाना है। अच्छा इडली भी बनता है, इडली भी बनता है, वो इडली का किट आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, उसके अंदर डाल के आप इडली बना सकते हैं। माइक्रोवेव दबाना है, माइक्रोवेव दबाना है, सेलेक्ट करना है, 5 मिनट का टाइम लगाना है और स्टार्ट दबाना है, ये इडली के लिए 5 मिनट इडली के लिए। अच्छा राइस बनाना है सेम माइक्रो, सेम प्रोसेस है, सेलेक्ट 12 से 15 मिनट राइस को, वॉट एवर बी द क्वांटिटी, मतलब ये बाउल में रहेगा या बड़े बर्तन में रहेगा, बड़े बर्तन में रहेगा, दो लोगों का राइस का टाइमिंग है, कोई राइस देर में बनता है कोई जल्दी बनता है, वो आपके घर के ऊपर और क्वांटिटी पे डिपेंड है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक मैंने समझाया, अभी ये 4 बटन आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। अच्छा ये 4 बटन में आप डिशेस जो भी हैं उसके लिए वो आपको नंबर वाइज लगाना पड़ेगा। आइए, मील 300 से 350 ग्राम, मतलब चिल्ड रेडी मील 400 से 450 ग्राम, चिल्ड वेजिटेरियन मील 300 से 350 ग्राम, चिल्ड वेजिटेरियन मील
400 से 450 फिर ब्रोकोली 250 grams, कैरेट्स 250 ग्राम, ग्रीन बीन्स मैक्रोनी, हाँ मैंने भी सुना है, मालूम नहीं है मैक्रोनी, नहीं मालूम, नहीं मालूम पास्ता मैक्रोनी, पास्ता का ये एक वर्जन है मैक्रोनी। हम लोग ये फोर बटन है, ये डिफ्रॉस्टिंग है, फ्रूट चाहिए आपको ब्रेड एंड केक, ये डिफ्रॉस्टिंग मतलब आप फ्रिज से कुछ निकाल रहे, ब्रेड अगर निकाला पूरी रात भर फ्रिज में पड़ा है, हाँ डिफ्रॉस्ट करना, नॉर्मल लेके आना है उसके लिए। कितना टाइम और लगेगा इसको? ये आपको यहाँ से क्या दबाना है, अच्छा क्विक डिफ्रॉस्ट, अच्छा खाली डिफ्रॉस्ट दबाना है। कितने नंबर में है सर, सुनिए कितने नंबर में है, पांच नंबर, तो यहाँ से पांच करना है पाव के लिए, ब्रेड के लिए, हाँ ब्रेड के लिए बराबर, पांच नंबर में दबा के आपको वेट इसमें डालना है, सेलेक्ट करना है ये बटन, 200 ग्राम है अगर वेट ब्रेड, अच्छा वो भी स्टार्ट कर देना, गरम करना है, खाली गरम नहीं करने का, गरम करने के बाद भूल जाएगा, छह मिनट पानी और लगेगा इसको, ये आपका छह मिनट में हुआ है, फ्रिज से निकला हुआ छह मिनट, छह मिनट आप लोग बोलेगा, मैंने आप लोग बोले सात मिनट जी बोली, मैगी, हाँ पानी और डालने का नहीं, नहीं बस मैगी, हाँ मैगी, वाटर क्वांटिटी पे भी डिपेंड रहता है, अच्छा हाँ क्वांटिटी ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, क्वांटिटी कम हो गई तो टाइम कम लगेगा, वाटर क्वांटिटी पे भी मैगी बना रहे तो क्वांटिटी पे भी डिपेंड है, वाटर ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, वाटर कम है तो टाइम कम लगेगा, एनी डाउट आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है या मुझे देखना है तो आप स्टॉप करके बीच में ही देख सकते हैं, अभी बॉयल होने का स्टार्ट है, वहां से ही स्टार्ट करना है, सेम स्टार्ट बटन दबाना है, हाँ रनिंग हो जाएगा, मैगी मैगी बोली सर, ये मैगी हो गया है, देखो आराम से अभी तैयार, ये डायरेक्ट रखना, चलेगा ना, नो प्रॉब्लम, ऑयल इसमें भी लगने वाला है, ग्लास पे भी लगने वाला है, साफ कर सकते हैं ना, हाँ भी साफ कर सकते, इसको कितना 30 मिनट, 30 सेकंड, अच्छा बेसिक टाइमर 30 सेकंड, बेसिक टाइमर 30 सेकंड, मैगी हुआ था आपका 8 मिनट में, बड़ा है ना, गुड गुड गुड, ये पापड़ ऑयल लगा के रखे हैं, कब दे कब, तो आ